दोस्तों, आपने इस कहानी के पिछले भाग में देखा कि किस तरह चुड़ैल घसीटा लाल का बनाया हुआ चिकन चोरी करके खाती थी। घसीटा अपनी पत्नी दुलारी के साथ अब उस चुड़ैल को भगाने का उपाय सोच रहा था। दुलारी, मेरे दिमाग की तो बत्ती गुल हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जाए। बात तो आप एकदम ठीक कहते हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह इस चिकन चोर चुड़ैल से छुटकारा पाया जाए। घसीटा और दुलारी दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर घसीटा अपने घर से दुकान पर जाने के लिए निकल रहा था। सुनो जी, मेरे दिमाग में एक बात आई है। अगर हम ऐसा करके देखें तो शायद कुछ बात बन जाए। तुम कहना क्या चाहती हो दुलारी, जरा खुलकर कहो। चलो दुकान पर चलते हैं, वहीं पर दिखाती हूँ आपको। दोनों दुकान की तरफ चल देते हैं। दुलारी एक चिकन में लाल मिर्च भर देती है और एक उसी साइड रख देती है जहाँ से वो चुड़ैल चिकन उठाती थी। दुलारी, ये तुम कर क्या रही हो? ये देखो, मैंने इस चिकन में लाल मिर्च भर दी है। अब वो चुड़ैल यहाँ आकर चिकन को उठाकर ले जाएगी और जब उसको खाएगी तो मिर्च से उसका मुंह जल जाएगा और फिर वो हमारा चिकन चोरी करना बंद कर देगी। अरे वाह दुलारी, तुमने तो बड़ा कमाल का उपाय निकाला उस चिकन चोर चुड़ैल को भगाने का। और अब वो दोनों उस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। शाम होने पर वो देखते हैं कि चिकन हवा में उड़ता हुआ जाता है। घसीटा और दुलारी दोनों चिकन को जाता हुआ देख लेते हैं और फिर दोनों ही उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। आज तो चिकन में से बहुत ही मसालों वाली खुशबू आ रही है। लगता है आज बहुत ही स्वादिष्ट चिकन बनाया है घसीटा लाल ने। चुड़ैल, आज चिकन को खाकर तो देख तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। चुड़ैल चिकन को मुंह में डालती है और जैसे ही वो चिकन का एक पीस खाकर हटती है वो जोर से चीखने लगती है। हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ, यार चिकन में इतनी ज्यादा मिर्ची है, ओहो, मेरा तो मुंह ही जल गया। चुड़ैल इधर से उधर भाग रही थी, उसके मुंह से आग निकलने लगती थी और ये सब नजारा घसीटा और दुलारी देख रहे थे। अरे बाप रे, इस चुड़ैल के मुंह में तो आग निकल रही है। अरे दुलारी, ये तुमने मिर्ची के साथ साथ और क्या डाल दिया इस चिकन में? मैंने तो बस मिर्ची ही डाली थी, लेकिन पता नहीं ये आग कैसे निकल रही है। अरे छोड़ो भी आग को, हमें तो बस इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है। अब इसके मुंह में आग लगे या सर में, हमें इससे क्या। चुड़ैल कुछ देर तो उन दोनों की ओर देखती रही और उसके बाद वो पता नहीं कहां गायब हो गई। दुलारी, लगता है ये चुड़ैल यहां से भाग गई है। चलो हम भी अब अपने घर चलते हैं। घसीटा और दुलारी भी अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रात हो जाती है। घसीटा अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था, तभी घसीटा को कुछ आवाजें आती हैं। अरे ये आवाजें कैसी आ रही हैं? घसीटा उन आवाजों को सुनने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और कुछ दूर तक चलता है। अरे ये आवाजें तो आना बंद हो गई, पता नहीं बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें थी। घसीटा वापस मुड़कर जाने लगता है कि तभी उसको आवाज सुनाई देती है। घसीटा लाल, जरा मुझसे भी तो मिल लो एक बार। घसीटा मुड़कर देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। च, 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 च। क्या बात है घसीटा लाल, ये के आगे तुम्हारी जुबान नहीं चल रही। मिर्ची वाला चिकन तो तुमने मुझे खिलाया था, लेकिन जुबान तुम्हारी क्यों बंद हो गई? मुझे माफ कर दो, मेरा कोई इरादा नहीं था, ये सब तो मेरी पत्नी दुलारी का प्लान था। घसीटा लाल, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हारी दुकान का चिकन ही तो खाती थी और तुमने मेरा मुंह जला दिया। अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगी। नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो, भला घसीटा लाल कोई चिकन है जो तुम मेरा मांस खाओगी? जो तुमने मेरे साथ किया है तुमको उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए।
चुड़ैल घसीटा लाल को उठाकर वहां से चल देती है। घसीटा लाल चीखता रहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुमको रोज चिकन बनाकर खिलाऊंगा, मुझे माफ कर दो। दुलारी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मुझे चुड़ैल से बचाओ। घसीटा लाल के चीखने की आवाजें सुनकर दुलारी भी घर से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि वो चुड़ैल घसीटा लाल को उठाकर अपने साथ ले जा रही थी। अरे ये कहाँ ले जा रही हो तुम मेरे पति को? और दुलारी भी उस चुड़ैल के पीछे पीछे भागने लगती है। रुक जाओ, मेरे पति को छोड़ दो। दुलारी को अपने पीछे आता देख वो चुड़ैल रुक जाती है। अच्छा तो तू है इसकी पत्नी? तूने ही मुझे मिर्ची भर के चिकन खिलाया था। चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो, आप मेरे पति को छोड़ दो, इसके बदले में आप जो जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। हाँ चुड़ैल जी, आप जो भी बोलोगी हम वो करने को तैयार हैं। हम आपके लिए कल सब बढ़िया वाला चिकन बनाएंगे, आप रोज आकर उसको खाना। अगर मुझे मारोगी तो फिर स्वादिष्ट चिकन आपको कौन बनाकर खिलाएगा? चुड़ैल दुलारी को एक मुक्का मारती है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। ये मेरा बदलाव हुआ पूरा, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चुड़ैल जी। हाँ चुड़ैल जी, मैं कल से आपके लिए एक बढ़िया चिकन बनाकर रख दूंगा। नहीं, अब मैं एक चिकन नहीं खाऊंगी, कल से दो चिकन रखना। चुड़ैल घसीटा और दुलारी दोनों को पकड़ लेती है। बोलो दो चिकन रखोगे या नहीं? बिल्कुल रखेंगे, जरूर रखेंगे चुड़ैल जी, आप बस हमको छोड़ दो, कल से आपके लिए दो चिकन पक्के। ठीक है मैं अब जा रही हूँ। चुड़ैल वहां से चली जाती है और घसीटा भी दुलारी के साथ अपने घर चला जाता है। अगले दिन घसीटा अपनी दुकान पर चिकन बेच रहा था। शाम को दुलारी भी वहां आ जाती है। दोनों वहां पर देखते हैं कि दो चिकन हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। दुलारी इससे तो हम एक ही चिकन हवा में उड़ने देते तो अच्छा था, तुम्हारी मिर्ची वाले उपाय से तो अब दो चिकन का घाटा उठाना पड़ रहा है। और चुड़ैल दुकान के पीछे मजे से चिकन खा रही थी। वाह 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 वाह, खाने का तो चिकन में ही है मजा, और वो भी दो दो चिकन।